press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। मेरे मेष राशि वाले मित्र अपना जुलाई 2018 का मासिक राशिफल जानने के लिए व्याकुल होंगे। तो चलिए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ मेष राशि का जुलाई 2018 का मासिक राशिफल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये महीना आपके लिए सामान्यतः लाभ उन्नति कारक रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता के संकेत प्राप्त होंगे। कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। सगे संबंधियों, इष्ट मित्रों की ओर से सहयोग प्राप्त होने के योग बनेंगे। इस समय आपको अपनी कल्पनाओं के घोड़ों की लगाम कसने की जरूरत होगी और यथार्थ को देखते हुए नए अनुबंध एवं निर्णय लेने होंगे। आप पारिवारिक और व्यक्तिगत स्तर पर हरेक के साथ रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिश करेंगे। व्यावसायिक साझेदार व व्यापारिक सहभागिताएं और गठबंधन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आपकी मानसिक उत्तेजना अलग अलग योग्यताएं पैदा करेंगी। आपको अपने व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाना होगा। इस समय कानूनी विवाद खड़े होकर आपको मानसिक परेशानियां देंगे, लेकिन अंत में संतुष्टि भी मिलेगी। महीने का प्रारंभ नवीन कल्पनाओं, बढ़ता हुआ जीवन संघर्ष और सामने आ रही चुनौतियों के चिंतन से प्रारंभ होगा। वर्तमान जगह पर आप जहां काम कर रहे हैं, आपका प्रभुत्व तो बढ़ रहा है, परंतु एक अज्ञात भय भी मन में समाया हुआ है। शनिदेव राशि से नवम में वक्री चल रहे हैं। यह एक सुखद स्थिति है और आने वाले महीने में शत्रु परास्त होते हुए नजर आएंगे। इस समय भी आप ही शत्रु पर भारी पड़ेंगे। शत्रु कष्ट में रहेंगे। शनिदेव आकस्मिक लाभ चाहते हैं और राशि से तीसरे शनि और गुरु से दृष्ट सूर्य बुध चाहते हैं कि आप कोई बड़ा फैसला लें। राशि से चौथे राहु शुक्र की उपस्थिति बार बार भूमि भवन या वाहन परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है, परंतु ऐसा लगता है कि अभी अड़चनें चल रही हैं। बृहस्पति वक्री चल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए आवश्यक है कि आप बृहस्पति की पूजा करें। संतान के लिए समय शुभ है और उनके अतिरिक्त प्रयास धन लाभ कराने वाले हैं। कतिपय विपरीत समाचार प्राप्त होने से मन खिन्न रह सकता है, परंतु कुछ ही दिनों में गोचर में परिवर्तन के कारण स्थितियां बदलेंगी और आप राहत अनुभव करेंगे। छोटी मोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। पारिवारिक दृष्टि से समय शुभ फलप्रद बन रहा है। भाइयों एवं परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा, इससे आपके उत्साह में वृद्धि होगी। धार्मिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों की योजना बन सकती है। संत गुरु आदि की कृपा प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उनके सानिध्य में रहने के अवसर आएंगे। धर्म साहित्य पराविधा आदि से संबंधित पुस्तकों के अध्ययन की संभावना है। तो मित्रों, इन सब बातों का क्या सार निकलता है? तो मित्रों, हम आपको बताते हैं कि इन सब बातों का मेरे मेष राशि वाले मित्रों के जीवन के अलग अलग पहलुओं पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे मेष राशि वाले मित्रों के स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल्के में ना लें, उनका शीघ्र समाधान करें, तनाव से बचने का प्रयास करें। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे मेष राशि वाले मित्रों के धन संपत्ति के बारे में। आर्थिक क्षेत्र में उलझी हुई समस्याएं सुलझेंगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नवीन आय के स्रोत खुलेंगे। संपत्ति क्रय विक्रय के लिए यह मास सामान्यतः शुभ रहेगा। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे मेष राशि वाले मित्रों के कार्य व्यवसाय के बारे में। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होकर आपकी प्रशंसा करेंगे। पहले से रुके हुए कार्य बन सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे मेष राशि वाले मित्रों के प्रेम संबंध के बारे में। प्रेम संबंधों में लोगों की अफवाहों से बचें, अपनी भावनाओं तथा वाणी पर नियंत्रण रखें। मित्रों, अब बात करते हैं मेरे मेष राशि वाले मित्रों के दाम्पत्य जीवन के बारे में। दाम्पत्य सुख सहयोग में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों से तालमेल बना रहेगा तथा परिवार सहित किसी पर्यटक स्थल की यात्रा पर जाने के योग है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं एक सुनहरा उपाय, जिसे करने से आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं और समस्त ग्रह दोषों को दूर करके धन और समृद्धि आसानी से पा सकते हैं। तो वो उपाय है, प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें, नीली वस्तुओं का दान करें तथा राहु के मंत्र का पाठ करें।
तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए। और देखते रहिए मोटू लाला। अपने सभी ज्योतिषीय सवाल पूछने के लिए आप हमें संडे के लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे मुफ्त में पूछ सकते हैं। तो देखते रहिए मोटू लाला, और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।